फरीदकोट में पावरकॉम के टेक्निकल सर्विसेज और क्लेरिकल स्टाफ की ओर से बीते 11 दिनों से सामूहिक छुट्टी लेकर सब डिविजनल सिटी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर रोष धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर डिविजनल बलविंदर राम, डिविजनल प्रधान पेंशनर एसोसिएशन मिठू सिंह, उप प्रधान हरजिंदर सिंह के अलावा बहुत से नेताओं की ओर से धरने को संबोधन किया गया। इस दौरान डिविजनल प्रधान मिठू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर वे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब सरकार उनके पे बैंड स्केल में शोध नहीं करती तब तक उनका रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 2 दिसंबर को मोरिंडा में सीएम चन्नी की कोठी का घेराव भी किया जाएगा। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जरा पीसीपीसीएल है ये बिजली बोर्ड का जो पे बैंड दिया पे कमी लंबे समय मांग पूरी नहीं कर रही इस संबंध में चल रहा चल रहा ये होर लंबा चलूगा जेकर साड़िया मंगा ना मनिया सरकार ने अभी 2 तरीक न बकायदा चंडीगढ़ बकायदा मोरिंडे जाके जोड़ा सीएम चन्नी की कोठी का घराव करा।